राजकीय महाविद्यालय पुष्कर में आज अखिल भारतीय परिषद ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अखिल भारतीय के प्राचार्य चेतन प्रकाश को संगठन के स्थानीय पदाधिकारियों और छात्रों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रों ने मांग की कि वर्तमान कॉलेज में केवल 8 संकाय के विद्यार्थी ही शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं और पूरे पुष्कर विधानसभा के छात्र वाणिज्य और विज्ञान संकाय में अध्ययन हेतु अजमेर जाना पड़ता है। साथ ही कॉलेज में छात्र संघ चुनाव भी कोरोना काल से नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द करवाए जाने हेतु साथ ही एनसीसी का प्रशिक्षण भी कॉलेज में शुरू किया जाए और कॉलेज शहर के काफी दूर बनी है, वहां पर छात्रों के लिए अल्पाहार की कोई व्यवस्था नहीं है। इन सब मांगों को लेकर आज विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री लाभांशु वैष्णव के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान तुषार पाराशर, मयंक शर्मा, विशाल राणा, रविंद्र सिंह राठौर, कमलेश जोशी, राजवीर सिंह राठौर, धर्मेंद्र टेलर, अश्विन राकावत, हिमांशु मौर्य, देवेश लोकेंद्र सिंह राठौर, शिवम पाराशर, राजेश सिंह, जनार्दन बैरवा, अखिलेश राठी, धीरज पाराशर, सुधीर राज मंडोलिया, प्रमोद सहित परिषद से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सभी पदाधिकारी द्वारा पुष्कर विधानसभा के सर्वप्रथम और सबसे बड़ी कॉलेज पुष्कर राजकीय महाविद्यालय पुष्कर में प्राचार्य मोदी को ज्ञापन सौंपा और 4 सूत्री मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन दिया और सभी बच्चे हमारे साथ हैं और हमको ये आश्वासन दिया कि आपका जो भी आपने ज्ञापन दिया उसके सुचारू रूप से आपका काम संपूर्ण रूप से होगा। पुष्कर कॉलेज है, ये हमारे पुष्कर विधानसभा की एक कॉलेज है, यहाँ के आसपास के एरिया से भी हमारे स्टूडेंट आते हैं, तो इसमें कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं है। उससे हमने प्राचार्य को ज्ञापन दिया और प्राचार्य को अवगत कराया। हमारी मुख्य मांगे थी कि यहाँ पे विज्ञान कॉमर्स की भी क्लासें शुरू सुचारू रूप से हो और NCC हो, कैंटीन की सुविधा हो और जो भी जितनी भी फैसिलिटी है उसको मैटर में लेकर के हमने प्राचार्य मोदी को ये ज्ञापन दिया। आज क्या आश्वासन दिया आपको प्राचार्य ने? हमारी मांगे रखी है, हमने हमारी मांगे रखी है और प्राचार्य ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे पूर्ण रूप से मानी जाएगी और जल्द से जल्द वो कार्यवाही भी करेंगे। अगर कार्यवाही नहीं करते हैं तो फिर आने वाले टाइम में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरा स्टूडेंट हमारे साथ है, पूरा युवा हमारे साथ है। इन छात्रों ने 4 मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया है। एक तो यह है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाना चाहिए, तो वो तो अभी कोरोना 19 गाइडलाइन के अनुसार जो है राज्य सरकार और आईपीएल कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर का यदि आदेश होगा तो छात्र संघ चुनाव जब भी होंगे संपन्न करा दिए जाएंगे। विज्ञान और कॉमर्स का विषय खोलने के लिए हम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान को लिख देंगे कि महाविद्यालय के अंदर जो है पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में एक ही महाविद्यालय है और इसमें कला संकाय है, तो इसमें विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोला जाना चाहिए। तीसरी जो इनकी मांग है NCC के लिए, वो मैंने पहले ही उदयपुर से NCC विंग खुलवाने के लिए यहाँ पर फॉर्म मंगा लिया है, वो आवेदन की प्रक्रिया कर रहे हैं। और कैंटीन का जहाँ तक सवाल है खोलने का, तो वो कि कोरोना 19 गाइडलाइन में राज्य सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये आदेश है कि कैंटीन खोले जाने नहीं चाहिए। जब भी खोले जाए, जब भी खोलने के आदेश होंगे हम कैंटीन खुलवा देंगे।